दोस्तों जैसा कि आप सबको बताया है कि सिद्धू मूसेवाले का डिलेमा सॉन्ग जो कि लगभग 2 हफ्तों के लिए डिले कर दिया गया है, उस सॉन्ग को अभी रिलीज करने ही वाले थे। मगर गाइज फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि सॉन्ग को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए डिले किया गया और फैंस ये सोच रहे थे कि सॉन्ग ही 1 महीने बाद आएगा। तो ये पक्का हो चुका है कि सिद्धू मूसेवाले का नया सॉन्ग हमें लगभग 15 दिन तक देखने को मिल जाएगा। मगर इसमें क्या हमें सिद्धू मूसेवाले की फीचरिंग देखने को मिलेगी, क्या सिद्धू मूसेवाला VFX के थ्रू हमें दिखाई देगा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले के डिलेमा सॉन्ग की जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जो वो इंडिया के ही प्रोडक्शन हाउस वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि पिछली बार जिन्होंने चोरनी सॉन्ग में वीडियो का काम किया था वीडियो डायरेक्टर थे नवकरण बराड, और जिन्होंने VFX के थ्रू सिद्धू मूसेवाला दिखाया था वो थे इनसाइड मोशन पिक्चर वाले। मगर अब जो है डिलेमा सॉन्ग में सारा सीन चेंज हो चुका है, ये नए बंदों के पास काम गया। तो आपको बता दें कि इस वीडियो कर रहे हैं सैवी सिंह और अर्श सकारिया। इंस्टाग्राम पर जो स्टाफ लंदन की टीम ने एक स्टोरी भी शेयर किया जिसमें लिखा है, हर्ष सुखदीप सिंह एंड अर्श सकारिया आर इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। वीडियो ऑफ सॉन्ग डिलेमा स्टाफ लंदन फीचरिंग सिद्धू मूसेवाला इज प्रोड्यूस बाय बोथ। तो इन दोनों के पास गया हुआ है सिद्धू मूसेवाले के डिलेमा सॉन्ग की वीडियो का काम। और अब बात करते हैं कि क्या सिद्धू मूसेवाला हमें इस सॉन्ग में VFX के थ्रू दिखाई देने वाला है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो एडिटिंग के लिए उन्होंने कपल्स ऑफ वीक्स मांगे हैं वो इसीलिए मांगे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के कुछ एनिमेशन जो है ऐड किए जाएं और सिद्धू मूसेवाले को इस सॉन्ग में बड़ी ही नई टेक्निक द्वारा दिखाया जाएगा। तब तक के लिए वेट करते हैं हम इस सॉन्ग की। और इस सॉन्ग से जुड़ी कोई भी जानकारी आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।